आप लोग ने देखा होगा कि इस पेटी में मैंने गोभी लगाया था, चार गोभी लगाई थी, जिनके कि तीन गोभी तो मेरी हो गई, उनकी हार्वेस्टिंग कर लिया है, एक गोभी बची हुई है और ये मेरा जो बाक्स है थर्माकोल का खाली हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास समय है और ये मिट्टी बेकार ना जाए, इसलिए मैं इसमें मूली के कुछ बीज लगाने के लिए, ये देखिए जो मैं नीचे इसमें बस पत्ता और किचन वेस्ट भरी थी, तो अभी अक्टूबर में मैंने भरा था तो अभी वो डिकम्पोज अच्छे से नहीं हुआ होगा और इसलिए मैंने ये पेटी खाली नहीं की। और इसमें क्या की कि डिकम्पोज जो हुआ था तो बैठ गई थी मिट्टी, तो इसमें थोड़ा सा जो मिट्टी जैसे बनाती हूँ ऑर्गेनिक तरीके से वैसे मिट्टी बना करके भर दिया है मैंने। और इसमें मूली के बीज आज जा रही हूँ बोने। देखिए मूली के बीज बोने के लिए क्या करें, कोई भी बीज या पौधा बोने के लिए पहले मिट्टी जब तैयार करें इसके बाद थोड़ा सा उसमें नमी बना दें ताकि वो नमी बनी रहे। और इसके बाद भुरभुरी करके एक तार कर लीजिए। एक तार करने के बाद चलिए अब हम लोग बोते हैं मूली। देखिए ऐसे चार चार इंच का जो फासला रखेंगे ऐसे लाइन लाइन से बोना है, 1 इंच तक इससे ऐसे गहरा गहरा लाइन कर लीजिए। ऐसे गहरा करते जाइए 1-1 इंच तक, ज़्यादा नहीं। देखिए चार लाइन बना है। अब इसमें क्या करेंगे कि ये मूली का बीज जो मैं मार्केट से मंगवाई थी वही है। अब देखिए इसको 4-4 इंच की दूरी पर हम लोग बोएंगे। एक एक दाना, एक एक बीज 4 इंच की दूरी पर हम लोग बोते जाएंगे। बोलें फिर ये जो मिट्टी इधर उधर हुई है इसको ऐसे हाथ से ऐसे बीज को ढकते हुए एक बराबर कर लीजिए। पूरे बीज पर एकदम मिट्टी चढ़ाकर एक तार करने के बाद इसको ऐसे स्प्रेयर हो तो उससे पानी हल्का पानी दे दें और नहीं तो हाथ से छिड़कते हुए पानी दे करके जब तक बीज न जमे तब तक ऊपरी परत को सूखने न दीजिए, इसमें नमी बना कर रखें। 1 हफ्ते बाद देखिए सारे मूली के बीज जर्मिनेट हो गए हैं। इस तरह से यदि आप भी कोई गमले या कट्टे में या थर्माकोल बॉक्स में सब्जी लगाए हैं और वह अगेती है और वह हो गया है तो एक सीजन में आप 2 सब्जियां लगा करके उसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। मूली बहुत जल्दी इसके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं, 4 से 6 दिन का समय लगता है इनके बीज जमने में और आसानी से आप किसी ग्रो बैग में या गमले में मूली के बीज लगा करके और अच्छी तरह से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये जो है इसमें ज़्यादा कंपोस्ट या लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अभी छोटे छोटे पौधे हैं तो इसकी ऊपरी परत में नमी बना कर रखें और ये जब 4-6 इंच का पौधा हो जाएगा मूली का तब इसके बाद जब ऊपरी परत जो है सूख जाएगी तभी आप इसमें पानी डालें। और मोटी लंबी मूली प्राप्त करना है तो इसमें पानी कम से कम डालें, मतलब जब बड़ा पौधा हो जाए जब मूलियाँ बनने लगे इसमें तब आप पानी का खास ध्यान रखें, कम पानी दें और सूखी मिट्टी हो जाने पर ही इसमें पानी दें।
इसमें 15-20 दिन या महीने दिन में एक बार कोई कंपोस्ट जो सॉलिड रूप में या लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं, जो हम सभी सब्जियों में, सभी जो छत पर लगाए हैं उन सब्जियों में देते हैं, वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस मूली में भी देते रहें। इसी तरह से हमने उधर दो थर्माकोल बॉक्स है उसमें भी मूलियाँ लगा रखी है। इसमें पत्ते बहुत ज़्यादा हो गए थे जिसका कि मैंने आज हार्वेस्टिंग किया हुआ है। ये देखिए मूली कैसे बन रहे हैं, ये देखिए इसमें मूलियाँ बन रही हैं। अब इसमें हमें पानी कम देना है, मतलब टॉप सॉइल ये जब सूख जाए तभी इसमें पानी देना है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।